मैं इस वीडियो पर पूरा डांस कर सकता हूँ इस पूरे गाने को बजाकर, लेकिन मेरे वीडियो पे कोई कॉपीराइट सॉन्ग नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप इस तरह का सॉन्ग अपने वीडियो में कैसे लगा सकते हैं। आपने NCS इस यूट्यूब चैनल का नाम ज़रूर सुना होगा, साथ ही साथ यूट्यूब लाइब्रेरी इस चैनल का नाम ज़रूर सुना होगा, जहाँ से आप नो कॉपीराइट सॉन्ग इस्तेमाल करते होंगे यहाँ से डाउनलोड करके अपने वीडियो पर। लेकिन इन चैनलों का एक नियम को आप फॉलो नहीं करते, क्या इन चैनलों का आप वीडियो यहाँ से डाउनलोड करते हैं, इनके गाने को डाउनलोड करते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर देते हैं? नहीं देते हैं। 100 में से 80 लोग नहीं देते हैं। अगर आपको ये चैनल चाहे तो आपके चैनल पर कॉपीराइट दे सकते हैं मैनुअली, क्योंकि इनका नियम है कि आप इनके सॉन्ग्स को अगर इस्तेमाल किए हैं तो आप इनका वीडियो का जो लिंक होता है, इसके गाने का जो लिंक है, उसे अपने डिस्क्रिप्शन पर दें। अगर आप नहीं दें तो आप बहुत बड़े गलती कर रहे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर नहीं देते। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा जहां से आपको लिंक वो कुछ भी नहीं देना है, फिर भी आपके सॉन्ग पे कभी भी भविष्य में कॉपीराइट आने की कभी भी संभावना नहीं होगा। मैं इस वीडियो में ये चैनल के बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप यहां से भी नो कॉपीराइट सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग तरीका बताऊंगा जिसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बारे में 80% लोग ज़रूर जानते हैं, लेकिन वहाँ से सॉन्ग डाउनलोड करते नहीं करते हैं, किसी भी गाने को डाउनलोड वहाँ से नहीं करते। वो है यूट्यूब लाइब्रेरी। जी हाँ, अगर आप पहली बार इस तरह का वीडियो देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है, साथ अपने चैनल पे आपको आना है। चैनल डैशबोर्ड में आने के बाद आपको नीचे क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस क्रिएट ऑप्शन पर आपको नीचे यहाँ पर यूट्यूब लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लाखों लाख सॉन्ग्स मिल जाएंगे जो NCS और YouTube लाइब्रेरी नहीं देख सकता है, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि यहाँ का ही सॉन्ग आप अपने वीडियो में इस्तेमाल करें। यहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग ऐसे भी हैं जो अपने वीडियो में लिंक डालने को कहती है, लेकिन आधे से ज़्यादा ऐसे भी सॉन्ग हैं जो आपको कुछ भी इस्तेमाल करने को नहीं कहता, यानी कि अपने वीडियो में लिंक भी डालने को नहीं कहती है। जिस सॉन्ग पर आपको लिंक डालने को कहा जाता है उस सॉन्ग का लिंक आपको ज़रूरी डालना है, और जिस सॉन्ग पे आपको डालने के लिए नहीं कहता है तो आप बिना तो उस सॉन्ग पे आप लिंक नहीं भी डालिएगा तो आपके वीडियो कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करना, अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो इसे डिसलाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो लोगों को पसंद आता है। अगर नहीं आता है तो लाइक अनलाइक ज़रूर करना, और आता है तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।